हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये देखो जी, धुलाई हो रही है बाइक की। ए बेटा, एक दिन छुट्टी आया है तो बारिश में ये अपनी बाइक तो नहीं लग रहा है। पाइप को ना जो टूटा हुआ पाइप था, आए हाय, किसके साथ लगाऊं? कौन सा वाला? जो टूटा वाला आपने यहाँ लगा दिया ना। अच्छा, वो लगा के फिर लगाओ, फिर ये निकलता है। हो गई, यहाँ से साबुन पड़ा था वो कर दिया साफ। गेट पे वो चमक गई भाई, चमक गई। मार दे एक बार। देखो जी, बाइक की तो लाई हो गई, नई मशीन लेके आया था पिचकारी वाली। ये तो पिचकारी का भी काम कर सकते हैं। बंदा पूरा ही भीग जाएगा। बारिश है, सूखे में रख ले। मेरा फोन भीग रहा है बारिश में। यहाँ फर्श पे भी मार दिया, नीचे जो साबुन पड़ा होगा हो जाएगा साफ। चमक गई, सुबह मैंने पानी डाला था। बढ़िया, छेती कर ले, छेती। जूते भीग जाएंगे। फर्श पे मार दे नीचे। यदि ये बाइक की सर्विस हो गई घर में ही। और ये देखो जी, आज मैंने खाना भी लेट हो गया है। ये मैंने बनाया है आप सबके लिए, ये मखाने का रायता। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, इसमें दही लेके उसको थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा उसको क्या बोलेंगे, इसको ऐसे एकसार करना है दही को, ताकि अलग अलग ना रहे, ये स्मूथ हो जाए दही। और फिर इसमें आप ये भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, हल्का सा हींग और अजवाइन भी डाल सकते हैं हल्की सी, वो आप डाल लें इसके अंदर। और थोड़े मखाने रोस्ट करके वो डालें। क्या मजेदार लज्जेदार रायता बनाएं। और नमक जो है, काला नमक आप खाते समय डालें, पहले नहीं डालें, जब सर्व करें तब डालें। ये देखो, टेस्ट करके मैं आपको बता रही हूँ। मजा आ गया, मजा। चुक दो सट्टे। घर का खाना, दो फुलके घर के मिल गए, बस जिंदगी सवर जाए। और ये देखो जी, आज मैंने बनाई है आलू भुर्जी। ये थोड़ा आज मैं फ्राई करके बना रही हूँ। पहले आलू और गोभी को थोड़ा फ्राई करा है मैंने हल्के से तेल में, और फिर थोड़े खड़े मसाले डाल के इसको मैंने सौंक दिया। ये देखो जी, मैंने बना दी आलू गोभी। अब लंच रेडी है, इसके साथ पूरी, परांठा या फुलका, कुछ भी आप खा सकते हैं। और डाल दो अदकर, जब भी यूकेजी के बच्चों को पढ़ाते थे ना, तो अदरक को अदकर बोलते हैं। अदकर, अदकर बोलने ही नहीं आता था उनको। ये मैंने डाल दी अदरक। हेलो जी, मैंने पा दी अदरक। आ जाओ सब फ्रेंड, आ जाओ फ्रेंड्स, खा लो फ्रेंड्स,
लंच कर लो फ्रेंड्स, बस फ्रेंड्स की जरूरत है। और मैंने क्या बनाया, एक और डिश बनाई आज मैंने, ये देखो जी मैंने बनाया हैगा ये साबूदाने की खीर। ओहो बहुत गाढ़ी हो गई है, तो देखो जी ये साबूदाने की मैंने खीर बनाई है। ये ऊपर गार्निश के लिए बादाम डाला है, थोड़ी किशमिश डाली है, और इसमें लेस बहुत होता है साबूदाने में। ये स्वीट डिश के रूप में आप सबके लिए। अब जल्दी से आ जाओ, छेती छेती खाना तैयार है। हैव अ नाइस डे। बस यूं ही मुझे प्रोत्साहन करते रहे, लाइक शेयर और कमेंट करके। आप सबका आभार, धन्यवाद। मस्त, जय हो, लेट्स गो, बाय बाय।